सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। ये रही मेरी N160 जिसको लिए हुए मुझे अराउंड 6 महीने हो गए और मैंने इसको चला दिए 6123 किलोमीटर। तो अब मुझे इस बाइक के बारे में एकदम अच्छे से A to Z चीजें पता चल गई है, क्योंकि मैंने इसको इतना चला लिया, इतना सारा टूरिंग कर लिया, इससे ऑफ रोडिंग भी कर ली, इसकी 2 सर्विस भी करा ली, इसको 2-3 बार सर्विस सेंटर भी ले जा चुका हूँ, फलाना ढिमकाना ना जाने क्या क्या। तो आप में से काफी लोग कमेंट कर रहे थे, भाई आप इतना इसको यूज कर चुके, हमें N160 लेनी है 2023 में, आप बताओ इतना यूज करने के बाद इस बाइक में नेगेटिव क्या क्या है। और भाई पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, बाइक बहुत अच्छी है, नो डाउट नेगेटिव हर चीज में होते हैं, आप चाहे कुछ भी ले लो, हर चीज एकदम परफेक्ट नहीं होती। तो ये मैं बस एज अ ओनर बता रहा हूँ कि मुझे इस बाइक में क्या क्या पसंद नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो जो सबसे पहला नेगेटिव है वो मुझे दिख ही गया फाइनली, ये आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत मतलब ऑयल सा लग रहा है ये जो इसका, और ये देखो यहाँ भी पूरा ऑयल है। नई बाइक में ये नहीं होना चाहिए, पर इस बाइक में आ रही किस चीज़ की प्रॉब्लम है मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ से इसके ऑयल निकलता है और वो देखो पूरा ये ताज़ा ऑयल निकला हुआ है, देखो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। मैं इसको एक बार दिखा चुका, इसको उन्होंने टाइट किया था, अब इसका क्या है वो मुझे पता नहीं। तो ये एक नेगेटिव इसलिए है क्योंकि भाई मैंने इसको चेक भी करा लिया है तो भी ये फिर से हो रहा है, तो इसलिए मेरे को तो ये नेगेटिव लगता है इस बाइक का, क्योंकि यार ऑयल लीक हो रहा है तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। पूरा यहाँ तक ऑयल लीक हो रहा है इसका। अब जो सेकंड मेजर नेगेटिव है वो है इसकी चेन। चेन मैंने पहले भी इसकी नेगेटिव में बता रखा है, पर यार मैंने ना इसका ना ये यहाँ पे बोल्ट होता है उसको, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बोल्ट होता है, इसको मैंने टाइट कराया था, उसके बाद ये नॉइस नहीं आ रही थी, पर वो फिर ढीला हो गया। आई डोंट नो क्या है, चैन मैंने वॉश कराई थी, पूरा लूप करा दी थी, तब भी इसमें आवाज़ आ रही थी। अब ये वापस से गंदी हो गई तो इसको वापस से वॉश करा के इसमें लूप करेंगे। तो चैन एक सबसे बड़ा मेजर नेगेटिव है भाई, जो बहुत नॉइस करता है बाइक चलाते वक्त, थोड़े भी आपके ऐसे पैचेस में चलती है तो पूरी नॉइस आती है चैन से, कट 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 कट, वो बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग हो जाती है एज अ राइडर। भले आप हेलमेट पहने रहते हो फिर भी वो नॉइस आती ही आती है। अब नए वाले स्लॉट्स में ये इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है उसका मेरे को आइडिया नहीं है, अगर आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपके बाइक में ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अगला इसका नेगेटिव है, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में रहता हूँ। मेरी हाइट है 5'5" और आई एम अ शॉर्ट राइडर, जिसके वजह से मेरे पैर अच्छे से टिकते नहीं है। वैसे तो इसकी सीट हाइट 795 mm है, पर फिर भी मेरे थोड़े बहुत पैर मतलब अच्छे से नहीं टिकते, मतलब दोनों टिक तो जाते पर मतलब बराबर नहीं होते। तो आप समझ सकते हो एज अ हैवी बाइक 154 kg मुझे आगे पीछे करने में दिक्कत होती होगी, पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि हैवी है, प्रॉब्लम ये है कि जो इसका टर्निंग रेडियस है वो बहुत कम है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बस इतनी मुड़ती है। जो भी लोग इस बाइक को चलाते हैं पहले सोचते हैं कि उनकी बाइक का टर्निंग रेडियस बहुत कम है, पर नहीं भाई ये मुड़ती ही नहीं है। मतलब इसको अगर मैं यहाँ से अगर ऐसे घुमाना चाहूँगा ना तो भी शायद ये नहीं घूमेगी, इतनी मतलब इतनी ज़्यादा जगह लेती है मुड़ने के लिए। है तो वैसे बहुत छोटी सी कॉम्पैक्ट सी बाइक और इसका व्हील बेस भी कम है, पर इसको मोड़ने में इतना ज़्यादा दिक्कत होता है, मतलब ये गलियों में तो मुड़ती ही नहीं है, फिर मेरे को एक बार आगे एक बार पीछे एक बार आगे एक बार पीछे ऐसे ऐसे करके इसको घुमाना पड़ता है, जो कि मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है और एम्बैरसिंग भी लगता है। भाई अगला नेगेटिव के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, हर बार सोचता हूँ कि अब नहीं आएगा, पर वही जाता है। वो इसकी इंजन लाइट अभी नहीं आ रही है, अभी तो ये बाइक ऑफ है, अभी नहीं आ रही है। क्या इसकी इंजन लाइट का सीन वो मेरे को भी नहीं पता, कभी आती है कभी नहीं आती है। आपने देखा होगा अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो, जब मैं राइड्स पे निकलता हूँ तो इसकी इंजन लाइट कंटिन्यूस चलती रहती है। वो क्यों जलती है, जब आप इस बाइक को, ये मेरी पर्टिकुलर बाइक में, किस बाइक में मेरे को नहीं पता, पर बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनकी बाइक में इंजन लाइट आती है। तो क्या होता है गाइस, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। जब हम नॉर्मली बाइक चलाते तब इंजन लाइट नहीं आती, पर जैसे आप हार्ड ड्राइव करोगे 60-70 से ऊपर आप इस बाइक को चलाओगे तो इसमें इंजन लाइट शो होने लगा। अब जब ये पहली बार हुआ था तो मैं इसको तुरंत सर्विस सेंटर लेके गया था और उन्होंने क्या बोला था कि आप सेकंड सर्विस तक आराम से चलाओ इसको, तब तक इसकी इंजन लाइट आएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। आई वॉज लाइक चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, 4,000-4,500 किलोमीटर चला लेंगे आराम से। अभी ये बाइक चल चुकी है 6123 किलोमीटर, फिर भी इसमें इंजन लाइट आ रही है सेकंड सर्विस में। मैंने उन्हें ये पॉइंट आउट भी किया था कि इसकी अब इंजन लाइट तो नहीं आएगी, पर उन्होंने कहा था नहीं आएगी, पर देखो गाइस आ रही है। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देती है कि मतलब जब लोग भी देखते तो बोलते हैं यार तेरी बाइक में इंजन लाइट क्यों आ रही है, नई बाइक में भी 6 महीने की बाइक में इंजन लाइट क्यों आ रही है। मैं उनको क्या समझाऊँ कि यार इसको तेज चलाओ तो इसमें इंजन लाइट आ जाती है। और अगला जो नेगेटिव है वो काइंड ऑफ पॉजिटिव भी है, पर अभी मैं उसको नेगेटिव के उसमें डाल रहा हूँ। इस बाइक के सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, जब आप राइड पे निकलते हो तो आपको ये फील होता है, जब आप थोड़ा मतलब ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो तो इस बाइक के सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है, तो जो आप बैठे बैठे आपकी कमर अगर दुखने लगती है, क्योंकि इसका पोस्चर भी थोड़ा सा अग्रेसिव है ना, तो
थोड़ा सा कमर में दर्द होने लगता है। तो आपने देखा होगा जब भी मैं ऑफ रोडिंग पर इस बाइक को लेके जाता हूँ, मैं ज़्यादा करके सैडल करता हूँ इस बाइक पर, क्योंकि बैठे बैठे इसके सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है। वो चीज़ अच्छी इसलिए है क्योंकि वो हाईवे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। आपने मेरी लास्ट ट्रिप देखी होगी जहाँ मैं नलखेड़ा गया था, वहाँ मैं इसको नॉन स्टॉप 110-115 ऐसे ही कंटिन्यूसली क्रूज कर रहा था हाईवे पे। क्या मक्खन चल रही थी ये। और जो एक नेगेटिव गाइस अभी आ रहा था मेरे बाइक में, मतलब नेगेटिव नहीं, एक जो प्रॉब्लम आ रही थी मेरी बाइक पे वो थी मिसिंग की प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम से ये बाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही थी। तो उसका क्या था, इसका जो सेंसर था थ्रॉटल बॉडी सेंसर वो ख़राब हो गया था। मतलब नई बाइक में थ्रॉटल बॉडी सेंसर का ख़राब होना, मतलब हो सकता है भाई वो मैकेनिकल पार्ट है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो ख़राब हो गया था जिसकी वजह से बाइक बहुत ज़्यादा मिसिंग करती थी। चलाते चलाते इसमें पावर लॉस हो जाती थी, वो बहुत सारी बाइक्स में होता है N160 में। तो वो भी एक नेगेटिव है इस बाइक का। मतलब मैंने बहुत सारी, मतलब 10 में से 6 बाइक्स ऐसी हैं जिसमें ये मिसिंग प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं गाइस, थ्रॉटल बॉडी सेंसर चेंज करा लेना है, फिर आपकी बाइक एकदम मस्त हो जाएगी। तो ये एक चीज़ थी पॉइंट करने के लिए मेरे को, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई उसको ठीक कैसे किया आपने। तो थ्रॉटल बॉडी सेंसर चेंज होगा, कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चेंज हो जाएगा। और गाइस एक थोड़ा जो मतलब मेरे को नेगेटिव लगता है वो इस बाइक, वो जो स्ट्रगल है जो ये टॉप एंड में करती है, वो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी N160 से मतलब ओवरटेक कर जाती हैं बाइक्स, मतलब एकदम टॉप एंड में जब वो बाइक्स पहुंच जाती है। तो गाइस इस बाइक का टॉप एंड बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये मतलब 127 पे वैसे तो इसका लिमिटर आ जाता है, पर वहाँ तक पहुँचते एकदम ऐसे मरी जैसी हो जाती है, बहुत टाइम लगता है इसको टॉप स्पीड अपनी पकड़ने में। और तब तक इससे अच्छी अच्छी बाइक्स एकदम ओवरटेक करके निकल जाती है, एक्स ब्लेड एक्सट्रीम सब इससे ओवरटेक करके निकल जाते हैं। इसका मिड एंड बहुत अच्छा है, लो एंड भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक है। मिड एंड इसका बेस्ट है, बहुत टॉर्की बाइक है। मेरा वेट 55 kgs है, मेरे को इसको टॉप स्पीड ले जाने में मेरी ऐसी की तैसी हो जाती है, 127 लिमिटर हिट हो जाता है इसका, वो तो भाई क्या बोलूँ 127। खैर ठीक है, इसका टॉप एंड से मेरे को बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगा, पर हो गया। आप ज़्यादा जब क्रूजिंग करते हो टूरिंग करते हो तो अब आप ज़्यादा टॉप एंड पे चलाते भी नहीं, पर हाँ कभी कभी हाईवे में ऐसा मौका आ जाता है जैसे कि हमारा स्कॉर्पियो वाले के साथ आया था, रेस वेस लग जाती है तो टॉप एंड में ठीक है, कोई नहीं, उतना भी ख़राब नहीं है कि मतलब आपको बहुत ही ख़राब लगे, पर हाँ बेकार है। बाकी बस गाइस यही सब कुछ नेगेटिव्स है इस बाइक के, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। वो भी नेगेटिव मेरे को खोजने पड़ेंगे क्या क्या नेगेटिव मेरे को फील होते हैं, मेरे को सोचना पड़ा लिटरली बैठ के कि भाई क्या क्या नेगेटिव है इस बाइक में, क्योंकि मेरी बाइक मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं इस बाइक से कि मतलब जब मैं यहाँ से ऐसे बाइक को पार्क करके ऐसे निकलता हूँ तो मुड़ के एक बार ज़रूर देखता हूँ इस बाइक को, इतनी प्यारी लुक्स है इसकी, इतनी अच्छा। चलो पॉजिटिव की बात इस वीडियो में नहीं करते, इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं गाइस। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक ज़रूर करना, ऐसा नहीं है भाई बाइक ख़राब है, बाइक बहुत अच्छी है। आपने देखा है मैंने 6000 किलोमीटर में इस बाइक के साथ इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, इतना मैंने टूर किया इस बाइक को लेके, कहां कहां नहीं लेके गया हूं मैं, बाइक बहुत अच्छी है, आपको अगर लेना है तो आप बिंदास ले सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना आपके थॉट्स, आपकी बाइक में सब प्रॉब्लम्स आते हैं कि नहीं, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि हां भाई सिर्फ मेरी बाइक ही नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।